स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे हमारे एक और नए प्लान की, जो कि है हमारा 20 फीट × 45 फीट, 20 × 45 फीट। इस प्लान के अंदर हमने 2 बेडरूम, एक किचन, एक डाइनिंग और एक ड्राइंग रूम, प्लस इसके अंदर हमने पार्किंग का भी स्पेस दिया है, और इस पूरे प्लान के अंदर हमने 2 टॉयलेट भी दिए हैं, जहाँ पर एक हमारे बेडरूम के साथ अटैच है और एक हमारे कॉमन है। और ये जो हमारा फ्लोर प्लान है, बस सिंगल स्टोरी प्लान है, इसलिए यहाँ पर आपको एक ही प्लान दिख रहा है। शुरू करेंगे, जो हमारा प्लॉट है इसके लेफ्ट, राइट और बैक साइड के अंदर हमारे ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउसेस हैं, उसकी वजह से हमारा ये जो प्लॉट है ये सेंटर के अंदर है, और इसके फ्रंट में 25 फीट की रोड है। नॉर्थ फेसिंग हमारा प्लॉट है। बात करेंगे मेन एंट्रेंस की, जो कि हमने 8 फीट वाइड रखी है, जिससे कि हमारी कार और बाइक एक अंदर आराम से पार्क हो सके और एंटर हो सके। पार्किंग स्पेस की बात करेंगे, पार्किंग स्पेस की साइज़ है 8 फीट 2 इंच × 10 फीट 9 इंच, जहाँ पर कि एक हमारी कार आराम से पार्क हो सकती है। एंट्रेंस के साथ ही हमें मिल जाता है हमारा स्टेयर केस, जहाँ से कि हम हमारे रूफ पर आराम से जा सकें। मेन एंट्रेंस जो है, मेन एंट्रेंस हमें लेके जाता है हमारे ड्राइंग रूम के अंदर, जहाँ पर हमने हमारा सोफ़ा सेट यहाँ पर एडजस्ट किया है। घर के अंदर एंटर होते ही हमें लेफ़्ट साइड में सोफ़ा सेट के पास ही हमने एक विंडो दी है, जहाँ से कि हमारा जो घर का वेंटिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। सोफ़ा सेट जो है उसके सामने ही हमने हमारा टीवी यूनिट दिया है। जो हमारा एक और एंट्रेंस है वो हमें लेकर जाता है हमारे एक बेडरूम के अंदर, जो कि हमारा फर्स्ट बेडरूम है, जिसके अंदर हमने 2 एंट्रेंस दिए हैं, एक तो हमारे पार्किंग से और एक हमारे डाइनिंग से। तो फर्स्ट हम एंटर होते हैं हमारे पार्किंग से हमारे रूम के अंदर। इस रूम की साइज़ रखी है हमने 10 फीट × 11 फीट। इस रूम के अंदर हमने हमारा बेड यहाँ पर एडजस्ट किया है, बेड के सामने ही टीवी यूनिट है, प्लस इस बेडरूम के लिए हमने वार्डरोब भी प्रोवाइड की है। इसी रूम से हमारे डाइनिंग के अंदर जो है हमने यहाँ पर एक गेट दिया है। बात करेंगे हमारे डाइनिंग की साइज़ की, डाइनिंग की साइज़ है 12 फीट 2 इंच × 8 फीट 5 इंच। काफ़ी बड़ा हमने डाइनिंग स्पेस दिया है, जहाँ पर कि हम हमारे डाइनिंग चेयर और टेबल हम यहाँ पर लगा सकते हैं। बात करेंगे हमारे फर्स्ट टॉयलेट की, जो कि है 6 फीट 5 इंच × 4 फीट। काफ़ी बड़ा टॉयलेट है, और हमारे हॉल और डाइनिंग के लिए ये टॉयलेट दिया गया है, जिससे कि अगर हमारे घर के अंदर कोई मेहमान, कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो इसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। बात करेंगे हमारे सेकंड और मास्टर बेडरूम की, जिसकी साइज़ है 10 फीट 2 इंच × 11 फीट 7 इंच। यहाँ पर हमने हमारा बेड एडजस्ट किया है, और बेड के सामने ही हमने हमारा टीवी यूनिट भी एडजस्ट किया है। इस बेडरूम के लिए हमने एक अटैच टॉयलेट दिया है, जिस साइज़ है 6 फीट 7 इंच × 4 फीट 1 इंच। इसी रूम के साथ हमने इस रूम के लिए वार्डरोब भी दी है, प्लस इस रूम के लिए हमने यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दिया है, जो कि हमारा पीछे वॉश एरिया के अंदर खुलता है। बात करेंगे हमारे किचन की, बहुत ही अच्छा किचन है, मॉड्यूलर किचन के लिए हमने यहाँ पर स्पेस दिया है, ताकि हमारे जो क्लाइंट थे उनकी डिमांड थी कि हमें मॉड्यूलर को किचन बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर किचन की साइज़ काफ़ी बड़ी रखी है। एंट्रेंस जो है वो डाइनिंग से ही किचन के लिए है। किचन की साइज़ है 8 फीट × 11 फीट 7 इंच, जहाँ पर हमने यहाँ पर हमारा सिंक प्रोवाइड किया है, और यहाँ पर हमने हमारा गैस प्रोवाइड किया है। किचन से होते हुए ही हमें हमारे बैक साइड जो वॉश एरिया है, ओपन स्पेस है, वहाँ पर जाने के लिए हमने एक गेट दिया है। बैक जो वॉश एरिया है उसकी साइज़ है 12 फीट 9 इंच × 3 फीट वाइड। काफ़ी बड़ा जो है हमने यहाँ पर स्पेस दिया है। यह है हमारा 20 फीट × 45 फीट नॉर्थ फेसिंग का प्लान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।